दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्वा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैक्सी से विवाह किया था। कैक्सी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुप्रनखा। विश्वा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाबीड़ा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। रावण ने दीदी के पुत्र की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्रवती की पुत्री वज्रवला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलूषी कन्या समा से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी ने श्री विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले, अक्षय कुमार, मेघनाद, अतिक्य, महोदर, विरूपाक्ष और भीखम को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा ये है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी और इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंगलदीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि सूत्रों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। ये भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंदौर की थी। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह, आइए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब रावण सीता का हरण करके आया था, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका को सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया और कहते हैं कि रामायण के अनुसार विभीषण के अभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंत्री के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वे अभी लंका की महारानी और अत्यंत रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया था, पर जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वे पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक ऐसी स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण में ऐसे कई और अजीब किस्से हैं, ये भी सोचने में मजबूर कर देते हैं कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था कि सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि भगवान राम के पिता का क्या नाम था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों, साथ ही में रावण एक ऐसा शख्स था जिसे खत्म करने के लिए खुद भगवान विष्णु को राम का अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसका नाम आज तक सारी दुनिया जानती है, लेकिन कोई भी इस नाम का इस्तेमाल नहीं करता। अपने समय का सबसे आधुनिक बुद्धिजीवी जो अगर चाहता तो स्वर्ग का रास्ता भी बना सकता था।
खैर दोस्तों, रावण इस धरती पर मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसके अस्तित्व से जुड़ी एक बात हमेशा के लिए लोगों को याद रहेगी कि वो एक प्रबल और शक्तिशाली राजा था जिसके अंदर असीम शक्तियां मौजूद थीं। वहीं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अगर चाहता तो पूरी धरती की काया पलट सकता था, लेकिन अपने अहंकार और गलत निर्णय का चयन करने से उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वरना क्या पता आज हमारे सामने स्वर्ग जाने का रास्ता मौजूद होता, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ रावण ही कर सकता था। अब आप रावण के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।